तो कूलाम नियम अपना कंप्लीट हो चुका था, और कूलाम नियम का अपने फॉर्मूला भी डिराइव कर लिया था कि एफ इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, ठीक है, जिसके अंदर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो नियतांक होता है, क्यू वन और क्यू टू दोनों आवेश हैं, और आर जो है वो उनके बीच की क्या है, दूरी है, और एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, वायु या निर्वात की विद्युतशीलता है। ये ध्यान रखने की चीज़ें हैं, ठीक है। वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है 9 × 10⁻⁹ मीटर। तो ये अपने को पता लग गया कि गुलाम नियम क्या होता है, और अध्यारोपण का सिद्धांत भी अपनों ने पढ़ लिया था ना, एफ वन प्लस एफ टू प्लस जेड डेड डैश एफ एन, और उसका मान भी अपनों ने निकाल चुके थे। अब अगला टॉपिक है अपना गुलाम नियम की सीमाएं, क्या है गुलाम नियम की सीमाएं, लिमिट्स, गुलाम नियम की सीमाएं। तो आप हेडिंग डालेंगे गुलाम नियम की सीमाएं, और देखो गुलाम नियम की सीमाएं बहुत सिंपल सिंपल सी है, तो एक बार मैं बता देता हूँ फिर भी आपको, है ना, कि तो दोनों आवेश जो है वो क्या होने चाहिए, बिंदुवत होने चाहिए, क्या होने चाहिए, बिंदुवत या फिर स्थिर। जैसे इस आवेश क्या होने चाहिए, स्थिर और बिंदुवत होने चाहिए, मतलब बिल्कुल पॉइंटेबल होने चाहिए, क्या होने चाहिए, पॉइंटेबल। अगर आवेश बड़े ले लिए तो काम नहीं चलेगा, जैसे क्योंकि बड़े पिंड के लिए तो फिर गुरुत्वाकर्षण बल काम आ जाता है ना, तो आवेश क्या होना चाहिए, बिंदुवत और स्थिर होने चाहिए, गतिशील नहीं होने चाहिए, क्योंकि गतिशील आवेश होते हैं तो फिर अपने पढ़ रखा है कि विद्युत धारा के साथ साथ चुंबकीय क्षेत्र भी वो क्या करते हैं, उत्पन्न करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट वाली लिमिट तो क्या होगा इसकी, कि आवेश दोनों क्या होने चाहिए, स्थिर और बिंदुवत होने चाहिए। आप कॉपी में नोट करोगे तो कंप्लीट लिखोगे कि दोनों आवेश स्थिर और बिंदुवत होने चाहिए, ठीक है। दूसरी सीमा क्या हो जाएगी इसकी, कि जो दोनों के बीच की दूरी होती है क्या, आर, है ना, दोनों आवेशों के बीच की दूरी अपनों ने आर मानी थी, तो दोनों आवेशों के जो बीच की दूरी है वो ना तो ज़्यादा अधिक होनी चाहिए और ना ही जो है वो बहुत कम होनी चाहिए ना, मतलब लगभग 10⁻¹⁵ मीटर से ज़्यादा होनी चाहिए, 10⁻¹⁵ मीटर से अधिक। वैसे मैंने बता दिया था आपको, स्थिर विद्युत बल जो होता है वो कम परास का ही होता है, क्योंकि जो अधिक परास के लिए तो फिर गुरुत्वाकर्षण बल काम में आ जाता है ना, तो जो दूरी होती है वो ना तो ज़्यादा अधिक होनी चाहिए और ना ही क्या होनी चाहिए, कम होनी चाहिए, है ना, ठीक है। और तीसरी जो है सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना, माध्यम जो होता है वो क्या होना चाहिए, निर्वात या वायु, क्योंकि अपने ने एप्सिलॉन नॉट भी पढ़ा था, क्या है निर्वात या वायु की गतिशीलता, है ना, तो माध्यम क्या होना चाहिए। वैसे दूसरे माध्यम में भी लग जाता है, लेकिन वायु निर्वात या माध्यम में 100% जो है वो कूलाम बल लगता है ना, तो माध्यम क्या होना चाहिए, निर्वात या वायु। तो एक कूलाम के नियम की जो तीन सीमा है, सिंपल सिंपल सी छोटी छोटी सी जो तीन सीमा है वो अपने को पता होनी चाहिए, क्योंकि अपन कई बार क्या करते हैं कि छोटी छोटी चीज़ें छोड़ देते हैं और प्रश्न वहीं से आ जाता है ना। तो आज थोड़ी क्या है कि जो छोटी छोटी चीज़ें हैं इस लेसन की वो मैं तुम्हें बताने वाला हूँ, कि बड़ी चीज़ें तो खैर अपने को पढ़नी है ना। तो आज कूलाम के नियम की जो सीमा है वो अपने आराम से हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब एक चीज़ और है जो आपकी बुक में नहीं है, वो भी देख लेते हैं, कि एकांक आवेश पर कूलाम बल, एकांक आवेश पर कूलाम बल, एकांक आवेश पर कूलाम बल। अब एकांक आवेश पर कूलाम बल क्या है भाई, एकांक आवेश पर कूलाम बल का मतलब क्या होता है, कि एकांक का मतलब तो अपने को पता है, एक है ना, मतलब एक आवेश पर जो है, या फिर आवेश का मान क्या है, एक है, तो उस पर कूलाम बल कितना लगता है ना। तो देखो सबसे पहले इसमें क्या है कि वायु और निर्वात ही है, माध्यम तो अपने पास फिक्स है, वायु या निर्वात। तो अगर आवेश, दो आवेश है अपने पास, क्यू वन और क्यू टू, दोनों को क्या रखते हैं अपन, 1 मीटर की दूरी पर रखते हैं, क्या रखते हैं, 1 मीटर की दूरी पर रख दें, और एक दूसरे को अगर मान लो 9 × 10⁻⁹ जो अपने पास 1/4πε₀ का मान है ना, जैसे अपन इसको ऐसे समझते हैं कि सबसे पहले इसका सूत्र क्या होता है, एफ इज इक्वल टू क्यू वन क्यू टू अपॉन 4πε₀ आर स्क्वायर। अब अपने को आवेश का मान क्या लेके आना है, एक लेकर आना है, क्या लेके आना है, आवेश का मान अपने को क्या लेकर आना है, एक। मान लो आवेश भी क्या है, एक जैसे ही है दोनों, है ना, तो इस आवेश जब एक जैसे है तो क्या हो जाएंगे, क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε₀ आर स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि आवेश तो क्या है, दोनों समान है, सजातीय आवेश मान लेते हैं अपन, है ना, क्या मान लेते हैं, सजाती आवेश। अब आवेश का मान अपने को क्या लेकर आना है, एक लेकर आना है, तो अपन क्या करेंगे कि देखो एफ इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, क्यू स्क्वायर अपॉन 4πε₀ आर स्क्वायर हो गया, है ना। अब मान लो अपने ये जो बल है इसका मान क्या है, मान लो अपने पास 9 × 10⁻⁹ मान लेते हैं अपन, ना क्या है एफ, बल इतना लगा रहे हैं अपन, है ना, कितना बल लग रहा है, 9 × 10⁻⁹, ठीक है। तो बराबर अब देखो 1/4πε₀ का मान भी क्या होता है, 9 × 10⁻⁹ ही होता है, तो ये रख दिया अपने 9 × 10⁻⁹ इंटू क्यू स्क्वायर है ये अपने पास, बटा
आर इसको दूरी मान लेते हैं अपन 1 मीटर, दूरी क्या मान लेते हैं अपन 1 मीटर, ठीक है। तो देखो 9 × 10⁻⁹ से 9 × 10⁻⁹ क्या हो गया, कट गया, एक उधर चला जाएगा, तो क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा अपने पास, एक आ जाएगा, तो क्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस 1, ठीक है। तो ये क्या हो गया अपने पास, आवेश का मान क्या आ गया अपने पास 1। मतलब अपने को एकांक आवेश लाने के लिए क्या क्या करना पड़ा, एक तो सजातीय आवेश लेने पड़े, एक दूरी का क्या मान क्या लेना पड़ा 1 मीटर लेना पड़ा, और बल कितना लगाना पड़ा 9 × 10⁻⁹, है ना, तब जाके अपने पास क्या आया एकांक आवेश। तो बस यही चीज़ है कि दो आवेश ले लो आप, सजातीय आवेश ले लो, उनके बीच की दूरी रखो 1 मीटर, क्या रखो 1 मीटर, है ना, और बल लगाओ आप इस पर 9 × 10⁻⁹, ठीक। अच्छा एक चीज़ अगर आपको कन्फ्यूजन हो तो इसको निकाल देना कि 1/4πε0, तो 1/4πε0 का मान क्या होता है 9 × 10⁻⁹ होता है। तो मतलब ये जो 1/4πε0 है, 1/4πε0 जो है, इसके पूरे की जगह मान अपनों ने 9 × 10⁻⁹ रखा है। आप ऐसा नहीं हो कि 1/4πε0 है मतलब 1/9 × 10⁻⁹ रख दो, है ना, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि पूरे 1/4πε0 का मान क्या है 9 × 10⁻⁹, मतलब इस पूरे का मान क्या है 9 × 10⁻⁹ है, तो डायरेक्ट मान रखाता है हमेशा, इसको ध्यान रखने की बात है ना। तो इसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी कि वायु या निर्वात में आपस में एक दूसरे से दो आवेश है ना, तो लिख देता हूँ चलो मैं, वायु या निर्वात में, है ना, वायु या निर्वात में आपस में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी, आपस में एक दूसरे से 1 मीटर की दूरी, 1 मीटर की दूरी 1 मीटर ली अपने, 1 मीटर की दूरी पर रखे दो आवेश, सजातीय आवेश कर लो, है ना, उसको आवेश मत लिखो, क्योंकि सजातीय लिखेंगे तभी पता चलेगा ना, सजाती आवेश एक दूसरे को कितने बल से 9 × 10⁻⁹ बल से प्रतिकर्षित करें, क्या करें प्रतिकर्षित करें। अच्छा यहाँ पे आकर्षित क्यों नहीं लिखा मैंने, क्योंकि आवेश कौन से अपने पास सजाती आवेश है, तो प्रतिकर्षित ही करेंगे एक दूसरे को, सजाती आवेश 9 × 10⁻⁹ के बल से प्रतिकर्षित करें, तो आवेश का मान कितना हो जाता है अपने पास, तो आवेश का मान एकांक आवेश हो जाता है, या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, तो आवेश को एकांक आवेश कहते हैं, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो अपने से एक नंबर में भी अगर एग्जाम में पूछ ले, अब ये चीज़ें अपने को आती तो है लेकिन अपनों ने कभी देखी नहीं, तो अपन वहाँ पर एग्जाम में नहीं कर पाएंगे, अगर अपनों ने देखी है तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है ना। तो इसको भी आप नोट कर लेना एकांक आवेश पर गुलाम बल के नाम से, ठीक है। उसके बाद अपन देखते हैं एक चीज़ और, वो भी छोटा सा है, परावैद्युतांक, छोटा सा टॉपिक है परावैद्युतांक, है ना। तो परावैद्युतांक क्या होता है, परावैद्युतांक क्या होता है ना, तो परावैद्युतांक देखें अपन, पहली बार सुन रहे होंगे आप परावैद्युतांक, इसके अंदर अपने ने विद्युतशीलता के बारे में तो अपने ने पढ़ रखा है ना, तो बस वही काम में लेना है इसमें ना। तो देखो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन लिख देते हैं अपन, है ना, डेफिनेशन क्या होती है इसकी कि वायु या निर्वात में दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल, है ना, F, दो आवेशों के बीच लगने वाला बल अपन क्या मान लेते हैं उसको F मान लेते हैं, ठीक है। और किसी माध्यम की उपस्थिति में, वह किसी माध्यम की उपस्थिति में उन्हीं दो मतलब जो पहले के आवेश थे ना, वही दो आवेश ले रहे अपन, उन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। अब देखो इसको समझो कि वायु या निर्वात में, सबसे पहले तो अपन कहाँ बात कर रहे हैं, वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल क्या मान लिया अपन ने, एफ, चलो इसके नीचे एफ नोट कर दो, है ना, ताकि अपने को पता चल जाएगा कि निर्वात में लग रहा है बल, है ना। तो ये हो गया अपने पास एफ नोट। वह किसी माध्यम की उपस्थिति में, पहले तो क्या था वायु निर्वात था, अब कोई भी माध्यम ले लेते हैं अपन, है ना, जैसे मान लो पानी है ना, तो कोई माध्यम की उपस्थिति में उन्हीं दो आवेश, अब उन्हीं दो आवेश को कहाँ ले लिया हमने, माध्यम में ले लिया, पहले कहाँ थे वायु या निर्वात में थे, अब कहाँ ले लिया माध्यम में ले लिया, तो
उन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल, इसको मान लेते अपन एस, क्या मान लेते अपन इसको एफ मान लेते, या फिर एस चलो माध्यम है तो इसके नीचे एम लिख देते, तो अपने को पता चल जाएगा कि जो निर्वात में लग रहा था वो एफ नॉट था और जो माध्यम में लग रहा था वो एफ एम। अब आवेश दोनों ही वही है, फिक्स है, ये ध्यान रखना है अपने को। तो उन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल एफ एम के अनुपात को, एफ एम के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं। क्या कहते हैं? परावैद्युतांक कहते हैं। अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में जाके समझते हैं ना। परावैद्युतांक को मान लो अपन लिखते हैं ई से, कैसे लिखते हैं ई से, है ना, या नीचे लिखते हैं अपन ई आर लिखते हैं ना इसको, परावैद्युतांक को नॉर्मल में। तो ई आर देखो क्या होता है, अपनों ने क्या लिखा, वायु या निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। तो वायु या निर्वात में बल कौन सा लग रहा है, एफ नो, तो यहाँ लिख दिया मैंने एफ नो। और माध्यम की उपस्थिति में उन्हीं दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल एफ एम के अनुपात, अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा। तो ये बन गया परावैद्युतांक का सूत्र कि वायु या निर्वात में लगने वाला बल और माध्यम में लगने वाला बल दोनों के अनुपात को क्या बोलते हैं अपन, परावैद्युतांक बोलते हैं। तो ई आर इज इक्वल टू एफ नॉट अपॉन एफ एम। अब इसको थोड़ा सा और अगर अपन सोल्व करें तो अपने को सूत्र तो याद है बल का क्या होता है, क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही होता है। अब ये तो हो गया एफ नॉट का सूत्र बटा एफ एम का सूत्र लिखेंगे तो आवेश तो वो दोनों ही अपने पास, तो आवेश तो क्या रख दिया मैंने एफ क्यू वन क्यू टू रख दिया अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन और आर स्क्वायर, तो ये आर स्क्वायर। अब देखो इसमें चेंज क्या है, क्यू वन क्यू टू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन और आर स्क्वायर है, यहाँ पे भी मैंने यही लिखा, लेकिन इसमें चेंज क्या है कि जो अपने पास आवेश सेम है, यहाँ पे भी आवेश सेम है, इस बल में भी माध्यम में भी, माध्यम में दूरी सेम है, यहाँ पे भी माध्यम में दूरी सेम है, लेकिन जो एप्सिलॉन नॉट है विद्युतशीलता है ये क्या होती है, चेंज होती है। अगर वायु में है तो अपन क्या लिखते हैं इसको, एप्सिलॉन नॉट लिखते हैं, और अगर मान लो माध्यम में तो उसको क्या लिख देते हैं अपन, एप्सिलॉन एम ही लिख देते हैं ना, माध्यम में अपने को पता चल जाएगा। तो ये फ़र्क है इसके अंदर, है ना, कि विद्युतशीलता क्या है, चेंज है, बाकी दोनों बल सेम है। अब इसको अपन देखते हैं कि देखो इसको अगर खोल के लिखूँ मैं सूत्र को, है ना, तो वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट और क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं, इसको भी ऐसे लिख सकते हैं वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन एम आर एस और क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब देखो क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर से क्यू वन क्यू टू अपॉन आर स्क्वायर कैंसिल, वन अपॉन फोर पाई से वन अपॉन फोर पाई कैंसिल, अब ऊपर क्या बचा एप्सिलॉन नॉट और नीचे क्या बचा एप्सिलॉन एम, तो ये क्या बचा अपने पास वन अपॉन एप्सिलॉन नॉट अपॉन वन अपॉन एप्सिलॉन, ये बचा अपने पास। तो इसका लास्ट में अपने पास फॉर्मूला क्या निकल के आएगा, ई आर के बराबर चल रहा था तो ई आर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये ऊपर जाएगा जब ये बटा में है, जब ये ऊपर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, तो एप्सिलॉन एम अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो इसको अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता, माध्यम में विद्युतशीलता है ना, एप्सिलॉन क्या होती है विद्युतशीलता, माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को, के अनुपात को परावैद्युतांक कहते हैं। इसकी दो डेफिनेशन हो गई है ना, परावैद्युतांक कहते हैं। तो इसके दो सूत्रों में या तो माध्यम में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल और उन्हीं दो आवेशों के मध्य निर्वात में दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल और उन्हीं दो आवेशों के मध्य माध्यम में लगने वाले बल के अनुपात को क्या कहते हैं, परावैद्युतांक कहते हैं, या फिर माध्यम में विद्युतशीलता और निर्वात में विद्युतशीलता के अनुपात को क्या बोलते हैं अपन, परावैद्युतांक बोलते हैं। तो मेरे हिसाब से परावैद्युतांक आपका एकदम क्लियर हो गया होगा। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं लेसन में जो अपने को पता होनी चाहिए ताकि अपने को आगे कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी, है ना। अब एक और टॉपिक है अपना आवेश घनत्व, क्या है आवेश घनत्व, आवेश घनत्व शायद 11 में आपने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, कोई बात नहीं, फिर भी इस बार अपन इसको थोड़ा सा डिटेल में देख लेते हैं ना, आवेश घनत्व क्या होता है। तो देखो आवेश घनत्व क्या होता है, तीन प्रकार का होता है, कितने प्रकार का होता है, जैसे अपने ने नॉर्मल घनत्व पढ़ा होगा, घनत्व जो होता है डी इज इक्वल टू एम अपॉन वी द्रव्यमान बटा आयतन, है ना, घनत्व का सूत्र होता है, तो वही इसमें भी होता है, लेकिन आवेश लग गया तो आवेश का घनत्व होता है। आवेश घनत्व तीन प्रकार का होता है, ठीक है, कितना प्रकार का होता है, तीन प्रकार का। तो फर्स्ट वाला तो होता है रेखीय आवेश घनत्व, क्या होता है रेखीय आवेश घनत्व,
दूसरा होता है अपने पास पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व, और तीसरा होता है अपने पास आयतन आवेश घनत्व। तीसरा क्या होता है? आयतन आवेश घनत्व। ये तीन तरह के अपने पास आवेश घनत्व है, वो सिंपल है, अभी क्लियर हो जाएंगे क्या है ये चीज़, है ना। तो आवेश घनत्व तीन प्रकार के होते हैं, रेखीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व और आयतन आवेश घनत्व। तीनों में रेखीय, पृष्ठीय और आयतन, इनका अंतर है ना। तो देखो इसका अगर अपन सूत्र लिखते हैं, क्या लिखते हैं, तो परिभाषा याद हो जाएगी, और अगर परिभाषा लिखते हैं तो सूत्र याद हो जाएगी। परिभाषा लिखने का अपने को तरीका पता है क्या है, देखो कि चलो सबसे पहले अपने इसको प्रदर्शित काय से करते हैं, इसको लेमड़ा से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। ये तीनों चिन्ह आपने पढ़ रखे हैं 11 में, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसको लेमड़ा से प्रदर्शित करते हैं, इसको सिग्मा से प्रदर्शित करते हैं और इसको रो से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ तक क्लियर है? अब अगर मैं सूत्र लिख दूँ तो आप डेफिनेशन लिख सकते हो आराम से, है ना। कैसे? देखो इसका सूत्र लिखता हूँ मैं, लेमड़ा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल। क्या लिखते हैं अपन? लेमड़ा इज इक्वल टू क्यू अपॉन एल, ठीक है। अब देखो इसका सूत्र आपको ऑटोमेटिक पता चल जाएगा, सिग्मा इज इक्वल टू क्यू अपॉन, ठीक है, और इसमें भी रो इज इक्वल टू क्यू अपॉन लिख देता हूँ। अब देखो यहाँ से, तो देखो रेखी था, तो रेखी मतलब क्या होता है? रेखा। और रेखा में क्या होती है? सिर्फ लंबाई होती है, तो अपनों ने क्या लिख दिया? लंबाई लिख दी। तो ये रेखा में क्या होती है अपने पास? लंबाई। तो अपनों ने किसका भाग लगाया? लंबाई का भाग लगाया। अगर अपने पास पृष्ठी होता तो पृष्ठ मतलब ये एक तरह से पृष्ठ होता है, समतल पृष्ठ, है ना। तो पृष्ठी में क्या होता है अपने पास? कि क्षेत्रफल होता है। क्या होता है अपने को पता है? पृष्ठी में क्या होता है? क्षेत्रफल होता है, पृष्ठ का तो क्षेत्रफल ही होता है। लंबाई तो लिख नहीं सकते अपन, लंबाई इंटू चौड़ाई होती है, लंबाई भी होती है और चौड़ाई भी होती है। तो क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। और क्षेत्रफल को हमेशा कैसे लिखते हैं अपन? ए से। तो इसमें काय का भाग लग जाएगा? क्षेत्रफल का भाग लग जाएगा, ठीक है। तो सिग्मा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? क्यू अपॉन ए। और आयतन है, आयतन अपने को पता है कि किसी या तो घन का होता है ना ऐसा, ठीक है। तो आयतन क्या होता है? इसमें लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है। लंबाई भी होती है, चौड़ाई भी होती है और ऊंचाई भी होती है, एल बी एस तीनों होती है। तो आयतन अपन निकालते, तो आयतन को कैसे लिखते हैं अपन? वी से लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या लिख दूँ मैं? वी से। आयतन को क्या बोलते हैं अपन? वॉल्यूम, है ना। पृष्ठ को, क्षेत्रफल को क्या बोलते हैं अपन? एरिया, ठीक है। लंबाई को बोलते हैं अपन लेंथ। तो ये तो अपनों ने तीनों चीज़ लिख दी, लंबाई का भाग इधर, क्षेत्रफल, और आयतन से क्या? वी का भाग लिख दिया, ठीक है। अब इससे अपन डेफिनेशन आराम से बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो मैंने आपको बता रखा है कि बटा में अगर कुछ भी चीज हो तो उसके आगे क्या लगा दो अपन? एकांक लगा दो। तो ये क्या हो गई? एकांक। बटा में क्या अपने पास? लंबाई। तो ये क्या हो गया अपने पास? एकांक लंबाई हो गई। तो एकांक लंबाई में उपस्थित, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। हो गया ना सिंपल? एकांक लंबाई में उपस्थित जो बटा में है वो क्या हो गया? एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं अपन? रेखीय आवेश घनत्व कहते हैं। हो गई डेफिनेशन? अब इसका आप आराम से बता सकते हो, एकांक क्या लगेगा इसके आगे? एकांक क्षेत्रफल। ए क्या अपने पास? क्षेत्रफल है। तो एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित, एकांक क्षेत्रफल इसमें उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं अपन? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं अपन? पृष्ठीय आवेश घनत्व कहते हैं। और अगर आयतन वाला आ जाए तो आयतन में भी बहुत सिंपल है, एकांक आयतन में उपस्थित है ना, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा, एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं अपन? एकांक आयतन पर उपस्थित आवेश की मात्रा को क्या कहते हैं? आयतन आवेश घनत्व। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत वाली बात होनी नहीं चाहिए इसमें, कि रेखी मतलब एकांक लंबाई, रेखी का मतलब ध्यान रखना लंबाई, पृष्ठी का मतलब ध्यान रखना क्षेत्रफल, और आयतन का मतलब वी। तीनों एकांक है, एकांक लंबाई में उपस्थित आवेश, एकांक क्षेत्रफल में उपस्थित आवेश और एकांक आयतन में उपस्थित आवेश। एक लास्ट चीज़ और है इसमें, उसका मात्रक देख लेते हैं। एक मात्रक बता देता हूँ, तीनों आप लिख लो, दोनों आप लिख लोगे ना, क्यू अपॉन एल है, अपने को पता है सूत्र से मात्रक निकलता है। क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलम। तो ये लिख दिया मैंने कूलम। बटा की जगह मैं क्या लिखूँ? बटा। और लंबाई का मात्रक क्या होता है? मीटर। तो क्या हो गया? कूलम प्रति मीटर। इसी प्रकार से इसका मात्रक लिखते हैं, क्यू का मात्रक क्या होता है? कूलम, बटा की जगह बटा। अब क्षेत्रफल का मात्रक अपने को पता है मीटर स्क्वायर होता है,
मैंने आपको 11th में बता रखा कि अगर लंबाई है तो उसके आगे क्या लगता है, मीटर। लेकिन अगर लंबाई और चौड़ाई दोनों आ जाती है, जैसे मान लो 2 मीटर और 3 मीटर, तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, जब मान लो आया था अपने पास तो उसका क्षेत्रफल निकालेंगे, तो लंबाई इंटू चौड़ाई 2 × 3, तो 2 मीटर इंटू 3 मीटर ऐसे लिखते हैं, तो 2 × 3 = 6 और मीटर इंटू मीटर मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल जब भी निकालते तो क्या लगता है, मीटर स्क्वायर लगता है। इसके क्षेत्रफल की जगह क्या लग दिया आपने, मीटर स्क्वायर। इसी प्रकार से इसका मात्रक लिखेंगे तो आवेश का तो क्यू गुलाम ही है अपने पास, और आयतन का मात्रक क्या होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई इंटू ऊंचाई, मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, तो मीटर क्यूब। तो मात्रक का आपको फंडा क्लियर हो गया होगा, है ना, मात्रक कैसे लिखते हैं। अच्छा एक चीज़ और देख लेते हैं, इसकी वीमा 11th में आपने अच्छे से पढ़ रखी है वीमा, तो आपको निकालनी है। चलो एक वीमा में बता देता हूँ, है ना। आवेश की वीमा तो होती है अपने पास AT, इसको ऐसे लिखते हैं m0 l0 AT, और लंबाई की मात्रक अपने पास है L, ऐसे ही लिखते हैं ना वीमा। तो ये क्या हो जाएगी इसकी वीमा, m0 L नीचे है, L की पावर कितनी है, 1 है, ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी, L की पावर -1 हो जाएगी, AT। तो ये इसकी वीमा हो गई। इसी प्रकार से इसकी वीमा भी लिख सकते हैं अपन, आवेश की तो यही होती है m0 l0 AT, क्षेत्रफल की क्या हो जाएगी, L स्क्वायर हो जाएगी, तो ये ऊपर जाएगी तो L -2 हो जाएगी। इसी प्रकार से इसकी वीमा लिखेंगे अपन, m0 l0 AT, और आयतन की वीमा क्या हो जाएगी, L³। तो देखो m0 l2 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, -2 और AT। ऐसे ही m0 ये L ऊपर जाएगा तो -3 और AT। तो ये इन तीनों चीज़ों की क्या हो गई, मेरे पास वीमा हो गई। तो उम्मीद है आपको कंप्लीट लेसन यहाँ तक समझ में आ गया होगा, है ना। उसके बाद अपना जो अगला पार्ट चलेगा वो क्या चलेगा, विद्युत के अंदर घुसेंगे अपन, है ना, इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक के अंदर घुसेंगे अपन, विद्युत क्षेत्र, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर घुसेंगे। यहाँ तक अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया तो आप बेझिझक 10 बार पूछ सकते हैं। अगर आपको कोई लिखना, वैसे मैं लिख के बता रहा हूँ, परिभाषा सब लिख रखी है मैंने, फिर भी अगर आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा है, नोट्स बनाने में कोई दिक्कत आ रही है, मात्रक वगैरह या फिर पक्षांतरण या छोटी से छोटी चीज़ या बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम में भी अगर कोई दिक्कत आ रही हो, तो आप बेझिझक मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है, मैसेज करें या फिर कुछ भी करें, आप पूछ सकते हैं, ठीक है, धन्यवाद।